Morning students, how are you all? Students, today we will start chapter 14 of EVS class 1, that is world around us. World around us. World मतलब होता है दुनिया. Around याने के आस पास, है ना? और अस यानी कि हमारे. तो इस चैप्टर का मतलब हुआ हमारे आसपास की दुनिया. हमारे आसपास की दुनिया क्या समझते हैं बेटा? हमारे आसपास दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं. सन है, मून है, स्टार्स हैं, ट्रीज़ हैं, वाटर है, रिवर. वाटर किस किस फॉर्म में है? रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, सी, बहुत सारी चीज़ें हैं. एयर है अच्छी अच्छी. इनमें से हम कुछ चीज़ों के बारे में, सन, मून, स्टार्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द सन. हम पर सन से स्टार्ट करते हैं. यू हैव टू रीड विथ मी. ओके, आवर अर्थ इज़ वेरी बिग. हमारी अर्थ कैसी है? बहुत बड़ी है. बहुत बड़ी है बेटा, है ना? बट द सन इज मच बिगर देन द अर्थ. पर जो ये सन है ना, जो हमको ऐसे में देखने में छोटा सा दिखता है, एक्चुअल में वो अर्थ से बहुत बहुत बड़ा है. द सन इज हॉट लाइक अ बॉल ऑफ फायर. और ये कैसा गर्म है? जैसे आग का गोला. बॉल ऑफ फायर यानी कि आग का गोला. जैसे कोई बॉल में किसी ने आग लगा दी हो, ऐसा गरम गरम है. इट गिव्स अस हीट एंड लाइट. और चूंकि ये खुद इतना गरम है, इसलिए ये हमको क्या देता है? हीट एंड लाइट देता है. क्या देता है? हीट एंड लाइट. ओके, वी कैन सी द सन इन द स्काई ड्यूरिंग द डे. अच्छा, अब आप बताइए हमको, सन हमको कब देखने मिलता है? डे में या नाइट में? यस, डे में. तो हमको स्काई में सन कब देखने मिलता है? डे टाइम में. द सन राइजेस, बोलिए, इन द ईस्ट इन द मॉर्निंग. सन मॉर्निंग में सुबह सुबह ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में उगता है. राइजेस यानी कि उगता है, ठीक है ना? उगना है ना, उगता है. एंड द सन सेट्स. सनसेट यानी वापस सन डूब के रात हो जाती है. कब? इन द वेस्ट इन द इवनिंग. वेस्ट डायरेक्शन में ये रात को सो जाता है, है ना? देखिए बेटा, डायरेक्शंस आपको, अब हम आज आपको सिखाएंगे डायरेक्शंस. क्या सिखाएंगे? डायरेक्शंस. देखिए, फोर डायरेक्शंस होते हैं, ठीक है? कौन कौन से? ईस्ट, बोलो आप लोगों को मेरे साथ बोलना है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ. ओके, ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ. ये फोर डायरेक्शंस होते हैं. हमारे पूरी अर्थ इन फोर डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग ही चलती है, है ना? जो सन है वो ईस्ट से बाहर आता है. कौन से डायरेक्शन से बाहर आता है? ईस्ट से. और वेस्ट में जाके ये छुप जाता है. रात को जब सोता है तो कहाँ? वेस्ट में जाके चला जाता है. सो जाता है क्या? नहीं बेटा, हमारी अर्थ जो होती है वो ऐसी गोल गोल होती है. कैसी? ऐसी गोल गोल. और वो ऐसे 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 सर्कल काटती रहती है. ऐसे 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 गोल गोल, है ना? तो इस साइड कभी आपने सुना है ना, आज जब हमारे यहाँ दिन होता है तब अमेरिका में रात होती है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस साइड जब सन होगा तो इस साइड दिन होगा. जब अर्थ वापस रोटेट होगी तो उस साइड दिन हो जाएगा, इस साइड रात हो जाएगी. ये मैं आपको एक मिनट ऐसे समझाती. ऐसे बेटा, ये सन है, है ना? और ये हमारी अर्थ है, ठीक है? अब जैसे मान लो, जब अर्थ का ये वाला फेस, ये वाला फेस सन के सामने था तो यहाँ पर दिन हो गया. फिर हमारी अर्थ ऐसे ऐसे रोटेट होती है, ऐसे ऐसे. फिर इस साइड आ गया ये वाला फेस,
तो यहाँ क्या हो गई रात, और सन के साइड कौन सा फेस आ गया, इस साइड वाला, ये वाला फेस, तो यहाँ क्या हो गया दिन हो गया। दैट मीन्स हमारी अर्थ ऐसे ऐसे रोटेट होती है, तो इसलिए सन तो कहीं नहीं जाता, सन वहीं रहता है, पर हमको क्या लगता है कि सन ईस्ट में उग रहा है और वेस्ट में डूब रहा है, और हमारा ये दिन और रात चलता रहता है, ये सन यहाँ पर स्टेबल रहता है और हमारी अर्थ ऐसे 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 गोल गोल घूमती जाती है, और साथ ही साथ वो ऐसे 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 राउंड में सन का भी चक्कर लगाती जाती है और ऐसे ऐसे अपने बेस पर भी घूमती रहती है। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें हमारा दिन और रात का सिस्टम जो होता है वो ऐसे चलता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपको रिटर्न वाला पोर्शन दिख रहा है, इसको हम लेके चलते हैं। जब ये सन के सामने है तो यहाँ पर दिन हो गया, इस वाले पोर्शन में क्या हो गया दिन हो गया, और जब ये घूमते 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 24 आवर्स में इस साइड आ गया, इस साइड आ गया तो यहाँ पर रात हो गई और इसके ऑपोजिट साइड में दिन हो गया, पर सन अपनी जगह पर वही बना रहा। इसलिए अब अगर कोई आपसे बोले ना कि सन सो गया, तो सन नहीं सोया, हमारी अर्थ घूम गई। क्या हो गई, हमारी अर्थ घूम गई, है ना। ओके बेटा, तो इसलिए क्या होता है, जो हमारी अर्थ होती है वो किस डायरेक्शन में घूमती है, ईस्ट टू वेस्ट का सर्कल लेती है ना, ऐसे घूमती है ऐसे। तो इसलिए हमारा सन जो है वो ईस्ट में राइज होता है और वेस्ट में सेट होता है। ओके, फोर डायरेक्शंस हैं, ईस्ट वेस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सा ईस्ट है कौन सा वेस्ट है, तो हम उसके लिए आगे रीड करते हैं। ओपन योर आर्म्स एंड फेस द राइजिंग सन, यू विल बी फेसिंग ईस्ट। जब हम उगते हुए सूरज की तरफ देखें, जैसे ये लड़का खड़ा है, जहाँ से सूरज उग रहा है उस साइड फेस करेंगे तो हमारा फेस किस साइड हो गया, ईस्ट डायरेक्शन में। ओके, वेस्ट विल बी द विल बी बिहाइंड यू। वेस्ट कौन सा हो गया, हमारा ऑपोजिट, हमारा उल्टा डायरेक्शन। योर राइट आर्म विल पॉइंट टू साउथ, और हमारी राइट आर्म यानी कि सीधा हाथ जो है वो किस साइड होगा, साउथ। योर लेफ्ट आर्म विल पॉइंट टू नॉर्थ, और जो हमारे लेफ्ट हैंड है वो किस साइड होगी, नॉर्थ साइड होगी। दैट मीन्स फोर डायरेक्शंस हुए, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ। ओके, नाउ हमने पढ़ा ये सन के बारे में, अब हम पढ़ेंगे मून के बारे में। द मून शाइन्स एट नाइट, मून क्या होता है, रात में चमकता है ना। द शेप ऑफ द मून कीप्स ऑन चेंजिंग, और जो मून का शेप है वो क्या है, चेंज होता रहता है। देखिए, पहले फुल मून, फिर हाफ, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम, और कम होते होते बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बेटा, अभी मैं जब आपको सन और मून, सन और अर्थ के बारे में पढ़ाई थी ना, तो अर्थ के जस्ट एक साइड सन होता है, एक साइड मून होता है, तो जैसे जैसे शेडो जो होती है ना, छाया, वो जिस तरह से इस मून पे पड़ती है उस हिसाब से इस मून का शेप चेंज होता जाता है। आगे देखते हैं, वी सी द स्टार्स ट्विंकल, बोलो ट्विंकल इन द स्काई एट नाइट, और रात में हम क्या देखते हैं, स्टार्स ट्विंकलिंग करते हैं ना, चमकते हैं ना, टिमटिमाते हैं। काउंट द नंबर ऑफ स्टार्स इन द नाइट स्काई, अब आपने कभी रात को तारे गिने, मैम ने तो खूब गिने पर कभी आज तक कंप्लीट नहीं कर पाई, कितने स्टार्स हैं वहाँ पे, बहुत सारे स्टार्स हैं। कैन वी काउंट देम, नो वी कैन नॉट काउंट देम, है ना। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी लिखा है, हाउ मेनी स्टार्स डिड यू काउंट, इट इज अनकाउंटेबल स्टार्स। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, अनकाउंटेबल स्टार्स, क्यों, क्योंकि हम इन स्टार्स को काउंट कर ही नहीं सकते, बहुत हैं स्टार्स, बहुत सारे, बहुत सारे, है ना। द अर्थ इज़ अवर होम, अर्थ क्या है, हमारा घर है। इट इज़ राउंड इन शेप, अभी मैंने आपको बॉल का शेप दिखाया था ना, सेम उसी शेप की हमारी अर्थ है। इट्स सरफेस इज़ कवर्ड विथ लैंड एंड वाटर, और इसका सरफेस कैसा कवर है, लैंड और वाटर, मतलब कहीं पर पानी है, कहीं पर ज़मीन है। द अर्थ टेक्स 365 डेज
और वन ईयर टू गो राउंड द सन। अब आप लोग सोचते होंगे ना कि ये वन ईयर जो होता है, हम लोग एक ईयर जो बनाते हैं वन ईयर, वो हमेशा 365 डेज का ही क्यों मनाते हैं, है ना। कई बार हमारे मन में ये क्वेश्चन बनता है कि ये वन ईयर 365 डेज का ही क्यों बनाया, क्या रीज़न है, है ना। और इसको बैलेंस करने के लिए आपको आगे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, फरवरी में 28 डेज ही होते हैं, कभी कभी चार साल में एक बार 29 डेज हो जाते हैं। पर ये क्यों होता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि बेटा जो हमारी अर्थ, मैंने अभी आपको बताया था ना कि अर्थ सन का चक्कर लगाती है, तो जब वो अर्थ सन का चक्कर लगाती है तो उतना पूरा एक राउंड कंप्लीट करने में उसको कितने डेज लगते हैं, 365 डेज। इसलिए हम 365 डेज का मतलब क्या निकाल लेते हैं, वन ईयर। ओके, द ग्लोब, देखिए ये इसको हम क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। ये एक तरह से हमारी अर्थ का एक मॉडल है। क्या है, अर्थ का मॉडल। हम इसको देख के समझ सकते हैं कि हमारी अर्थ कैसी है। द ग्लोब कैन शो ऑल द कंट्रीज एंड द सीज ऑन द अर्थ। और इस ग्लोब से हमको क्या पता चलता है कि इस धरती पर, इस अर्थ पर कहाँ कहाँ लैंड है, कहाँ कहाँ पानी है, और लैंड में कौन कौन सी कंट्रीज कहाँ कहाँ पर हैं, और कौन कौन सी सीज हैं, सीज यानी कि समुद्र। अवर अर्थ हैज़ हिल्स, रिवर्स, माउंटेंस, शीज, पीपल, एनिमल, बर्ड्स एंड प्लांट्स। हमारी अर्थ पे सब हैं, हिल्स भी यानी कि छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी हैं, बड़े बड़े पहाड़ भी हैं, रिवर्स भी हैं, नदियाँ भी, समुद्र भी, लोग भी रहते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं, बर्ड्स भी रहते हैं, सब रहते हैं। वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर अर्थ, हमको अपनी अर्थ का ध्यान रखना चाहिए। वी मस्ट प्लांट ट्रीज, हमको कैसे अर्थ का ध्यान कैसे रखेंगे आप, हमको पेड़ लगाने चाहिए। वी मस्ट सेव वाटर, हमको पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। मोस्ट ऑफ यू डू दैट, कि कहीं से भी आए और नहाने में खूब सारी एक बाल्टी भर के पानी फेंक दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए। जितना हमको ज़रूरत है, या मम्मा ने एक ग्लास पानी दिया तो एक ग्लास में से आधा पिया, आधा वॉश बेसिन में फेंक दिया। नेवर डू दिस, हमको पानी सेव करना चाहिए। जितना प्यास लगे उतना ही पानी लो, अगर आपको एक घूंट की प्यास है तो एक सिप पानी ही लो, उससे ज़्यादा पानी मत लो। वी मस्ट कीप आर सराउंडिंग्स क्लीन, हमको अपने आसपास का एरिया साफ रखना चाहिए। हम क्या करते हैं, अपना कचरा उठा के पड़ोसी के गेट पे डाल देते हैं, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। वी मस्ट नॉट थ्रो वेस्ट मटेरियल्स इन रिवर्स, और जो आजकल सब लोग करते हैं अपना, अपनी घर की गंदगी उठा के रिवर्स में डाल देते हैं, वो भी हमको नहीं करना चाहिए। क्यों, हमारी रिवर्स गंदी होंगी तो ऑब्वियसली हम बीमार हो जाएंगे। वी मस्ट नॉट बर्न क्रैकर्स, हमको क्रैकर्स नहीं चलाने चाहिए। क्रैकर्स मतलब पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। क्यों नहीं फोड़ने चाहिए पटाखे, क्योंकि पटाखे फोड़ते हैं तो क्या होगा बेटा, पटाखे फोड़ने से पूरे दुनिया में, पूरी अर्थ पे धुआं ही धुआं हो जाता है। वी मस्ट गेट पॉल्यूशन चेक ऑफ आवर व्हीकल्स डन रेगुलरली, और हमको अपने व्हीकल्स का, अपने गाड़ियों का पॉल्यूशन चेकअप रेगुलरली करवाना चाहिए। पॉल्यूशन चेकअप मतलब कि हमारी गाड़ियों में से ज़्यादा धुआं तो नहीं निकल रहा है, है ना, ज़्यादा शोर तो नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें हमें चेक करानी चाहिए। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर यहाँ फिनिश होता है, कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। हमने क्या सीखा, हमने थ्री थिंग्स सीखी, एक सन के बारे में, सेकेंड अर्थ के बारे में, थर्ड मून एंड स्टार्स के बारे में, प्लस हमने फोर्थ थिंग क्या सीखी, हमें अपनी अर्थ की केयर कैसे करना चाहिए। Okay, students, tomorrow we will do its exercise. Till then, bye-bye. Take care.